हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सभी के लिए फिर से न्यू जॉब वैकेंसी का अपडेट लेकर आ गया हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक्सिस बैंक का रिक्रूटमेंट का अपडेट लेकर आ गया हूं। दोस्तों वीडियोस पे कमेंट भी आ रहा था कि बैंक के जॉब के बारे में वीडियो बनाइए, किसी भी बैंक में लेटेस्ट ओपनिंग आया हो, नई भर्ती आया हो, सो वीडियो बना के अपडेट करिए। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सिस बैंक का लेटेस्ट रिक्रूटमेंट का अपडेट लेकर आ गया हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पे एक्सिस बैंक में किस किस पोस्ट पर किस किस पोजिशन पर जॉब आया है, जॉब का ऑफिशियल प्रोफाइल आप लोगों को कैसे निकालना है, नोटिफिकेशन कैसे निकालना है और कैसे आप लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, आवेदन का अंतिम तिथि क्या होगा और किस किस पोस्ट पे जॉब आया है, पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को इसी एक वीडियो में दिया जाएगा। एंड आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं एक्सिस बैंक में लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आ गया है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं 2023 का लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आ गया है। सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि यहां पर नो फीस है। नो फीस का मतलब यह है कि आप लोग किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करते हो, आवेदन करते हो तो निःशुल्क में कर सकते हो। कोई भी आवेदन चार्ज, अप्लाई फीस, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, निःशुल्क में आप लोग अप्लाई कर पाओगे। बाकी कैसे अप्लाई करना है आगे आपको डेमो के लिए बताया जाएगा। बाकी सैलरी के बारे में बात करें तो गुड सैलरी मिलेगा अकॉर्डिंग आपके पोस्ट और यहां पे एक्सिस बैंक के रूल के हिसाब से। यहां पे दोस्तों 10th पास 12th और ग्रेजुएट वालों के लिए भी जॉब देखने को मिलेगा। ऑल इंडिया के लिए यहां पे जॉब है, मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट एंड एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। सो कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आप लोगों को एक्सिस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, सब कुछ आप लोगों के सामने दिखाया जाएगा। बस वीडियो पर बने रहना है, साथ साथ में वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलने लगे। एंड आप लोगों को करना क्या है, अगर आप लोगों को एक्सिस बैंक का जॉब का डिटेल निकालना है तो सबसे पहला काम यह है कि आप लोगों को एक्सिस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जो कि आप लोगों के सामने दिख रहा है। यह है दोस्तों एक्सिस बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट www.axisbank.com। यह है ऑफिशियल वेबसाइट, इस वेबसाइट पे आपको आ जाना है। इस वेबसाइट पे आने के लिए क्या करना है, सिंपल सा काम है। सबसे पहले तो आप लोगों को अपने फोन में कोई भी ऐसा ब्राउजर ओपन कर लेना है और ब्राउजर ओपन करने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, आप लोगों को सर्च बॉक्स में सर्च कर लेना होगा एक्सिस बैंक। जैसे आप यहां पे ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्च करोगे AXIS एक्सिस बैंक, ठीक है, एक्सिस बैंक जैसे आप सर्च करोगे तो यहां पे टॉप पे आ जाएगा axisbank.com का ऑफिशियल वेबसाइट। इस पे आपको विजिट कर लेना है, क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप लोग यहां पे axisbank.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे, जैसा कि आप देख सकते हो। दोस्तों अभी हम आ गए हैं एक्सिस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब यहां पे आने के बाद कैसे हमें जॉब के लिए अप्लाई करना है, कैसे जॉब का डिटेल निकालना है, मैं आपको बताता हूं। बस वीडियो पे बने रहना है, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर नहीं किया है। अब इस वेबसाइट पे आने के बाद आप लोगों को नीचे की तरफ आ जाना है, स्क्रोल करके नीचे की तरफ आना है। जैसे आप यहां पे नीचे की तरफ आओगे तो यहां पे आपको मल्टीपल लिंक देखने को मिलेगा, लिंक्स देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो। यानी कि यहां पे अलग-अलग लिंक है तो हमें ढूंढना है, हमें यहां पे ढूंढना होगा कैरियर का लिंक। कहने का मतलब यह है कि जो भी जॉब्स आते हैं, जो भी रिक्रूटमेंट आते हैं, वो कैरियर के लिंक पे अपडेट किया जाता है, कैरियर के पेज पे अपडेट किया जाता है। तो ये जो एक्सिस बैंक का वेबसाइट है, यहां पे हमें एक लिंक मिलेगा कैरियर का, तो हमें उस पे क्लिक करना है। तो ढूंढते हैं कि किधर है कैरियर का लिंक। तो ये रहा, आप यहां पर देख सकते हैं अदर लिंक्स के लेबल में आपको मिल जाएगा कैरियर्स का लिंक। सो आपको यहां पे कैरियर के लिंक पे क्लिक करना है। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं। सो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप यहां पे कैरियर्स के लिंक पे क्लिक करोगे तो आप लोग रीडायरेक्ट हो जाओगे एक न्यू पेज पे, जो कि अभी आप लोगों के सामने दिख रहा है, ठीक है। अब इस पेज पे आने के बाद क्या मिलेगा, सबसे पहले तो आपको एक डिस्क्लेमर मिलेगा जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको इसे अच्छे से रीड कर लेना है। डिस्क्लाइमर को अच्छे से रीड करने के बाद यहां पे क्या करना है, इजी सा काम है। यहां पे आप लोगों को एक बटन मिलेगा प्रोसीड का। सो आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है। जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने एक और बटन मिलेगा एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ का। सो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ के बटन पे क्लिक करोगे तो आप लोग रीडायरेक्ट हो जाओगे यहाँ पे एक्सिस बैंक के जॉब के पेज पे, कैरियर के पेज पे, जहाँ पे आपको लेटेस्ट ओपनिंग देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हो। कहने का मतलब यह है कि जो भी यहाँ पे एक्सिस बैंक में लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आता है, नए नए पोस्टों पर जॉब आता है, इसी पेज पर अपडेट होता है, जो कि आप लोगों के सामने देखने को मिल रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल जॉब है अलग अलग लोकेशंस पे और वर्क फ्रॉम होम जॉब भी आपको देखने को यहां पे मिल जाता है कभी कभी। सो यहां पे आने के बाद जॉब प्रोफाइल कैसे निकाल के कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म कैसे भरना है, मैं आपको बता देता हूं। सिंपल सा काम है, यहां पर आप देख सकते हो अलग अलग पोस्टों पर जॉब है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो सर्विस रिकवरी का जॉब है, जो कि रिमोट मोड होगा। बाकी यहां पर वन ओपनिंग है। बाकी यहां पर आप देख सकते हो सेल्स ट्रेनर का जॉब है, कंसल्टेंट का भी जॉब है, सेल्स ट्रेनर का जॉब है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कैटेगरी
कैटेगरी में जॉब है, बिजनेस सिस्टम्स में जॉब है, एसएस करके अलग अलग कैटेगरी में जॉब निकाला गया है। तो हमें कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले और भी कुछ जानकारी है जो मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बॉक्स है, इस बॉक्स का क्या काम है, यहाँ पर आप जॉब का टाइटल, जॉब का कीवर्ड देके जॉब सर्च कर सकते हो। बाकी यहाँ पर लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये फिल्टर है, यूज़ करना है तो यूज़ कर लेना। बाकी नीचे की तरफ आपको लेटेस्ट जॉब देखने को मिलेगा। सो अगर आपको इनमें से किसी भी पोस्ट पे अप्लाई करना है या फिर पोस्ट का डिटेल देखना है कि किस पोस्ट पे जॉब है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया, स्किल क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगा, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। आप लोगों को डेमो के लिए बता देता हूँ। मान लीजिए दोस्तों हमें इनमें से किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करना है, जैसे कि ये लास्ट वाला क्या है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जॉब है, अगर इसके लिए हमें अप्लाई करना है, इस पोस्ट का डिटेल निकालना है, तो यहाँ पर ऐसा हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस पोस्ट का, इस पोजीशन का, जॉब का ऑफिशियल प्रोफाइल आप लोगों के सामने आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। इस प्रोफाइल में आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे रोल क्या होगा, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, आईटी कैटेगरी है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं सब डिपार्टमेंट क्या होगा बताया गया है, और यहाँ पर प्रोजेक्ट डिटेल है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगा, स्किल क्या मांगा गया है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सब कुछ डिटेल यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपको अच्छे से रीड कर लेना है। रीड करने के बाद अगर आप लोग एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं इस पोस्ट पे, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, आप इस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। अब कैसे अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म भरना है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सिंपल सा काम है, यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के सामने एक अप्लाई का फॉर्म आ जाएगा। अब इस फॉर्म को कैसे भरना है, कैसे सबमिट करना है, मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा काम है, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम देना है, जो आपका फर्स्ट नेम है यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। जैसे कि अगर आपका नाम राज वर्मा है तो राज एंटर करिएगा, जैसे कि यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ राज, डेमो के लिए मिडिल नेम है तो एंटर करना, नहीं तो लास्ट नेम में वर्मा, ओके। इस टाइप में आप कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और इसके बाद यहाँ पे जीमेल आईडी, ईमेल आईडी, तो जो आपका जीमेल आईडी है, ईमेल आईडी है, यहाँ पे एंटर करिएगा। फिर यहाँ पे आप लोगों को अपना फोन नंबर, मोबाइल नंबर भी एंटर कर देना है। पिन कोड क्या है आप लोगों का, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे टाइप कर देना है। बाकी यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो, मेल फीमेल। और लास्ट में जो आता है प्रोफेशनल डिटेल में, जो कि इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, वो है रिज्यूम, ठीक है। आपको यहाँ पे अपना रिज्यूमे अपलोड कर देना है, यहाँ पे क्लिक करके अपना सीवी रिज्यूम जरूर से जरूर अपलोड कर देना, क्योंकि रिज्यूम से ज़्यादा जानकारी आपका देखा जाता है। तो रिज्यूम यहाँ पे ऐसा अपलोड करना, और यहाँ पे इसका कुछ टर्म्स और कंडीशन है जो कि आप टिक करना, और सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करोगे तो आप लोगों का दोस्तों एक्सिस बैंक में जॉब के लिए, नौकरी के लिए बिल्कुल फ्री में अप्लाई हो जाएगा, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी शुल्क के। सो इसी प्रकार से आप लोगों को अप्लाई करना है। एंड हाँ, मैं आप लोगों को एक और जरूरी जानकारी दे दूँ, कभी भी यार अगर आपको कोई कॉल या फिर मेल आए और वहां पे ये बोला जाए हम यहाँ पे बैंक से बोल रहे हैं, हम इस बैंक से बोल रहे हैं, आप हमें इतना पेमेंट करो, डायरेक्ट आपका जॉब लग जाएगा, आप ये ओटीपी हमें बताओ, आपका डायरेक्ट जॉब लग जाएगा, तो आपको इन सब झांसों में नहीं आना है। कभी भी किसी को कोई भी पैसा नहीं देना है जॉब के लिए, ना तो कोई ओटीपी का लेन देन करना है। अगर आपको यहाँ पे एक्सिस बैंक में जॉब के लिए अप्लाई करना है, जॉब का डिटेल निकालना है, तो जो तरीका मैंने बताया ये सबसे बेस्ट है। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको www.axisbank.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे आके कैरियर के पेज पे आ जाना है। जैसे आप लोग यहाँ पे कैरियर के पेज पे आओगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको मल्टीपल जॉब देखने को मिलेगा, मल्टीपल लेटेस्ट ओपनिंग देखने को मिलेगा एक्सिस बैंक में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपको किस पोस्ट पे अप्लाई करना है, या फिर आपको किस पोस्ट का डिटेल निकालना है। जिस भी पोस्ट पे आपको अप्लाई करना है, जिस भी पोजीशन का आपको डिटेल निकालना है, उस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने जॉब का ऑफिशियल प्रोफाइल आ जाएगा, जो कि आप लोग अच्छे से रीड कर सकते हो। रीड करने के बाद अगर आप लोग एलिजिबल हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो अप्लाई नाउ का बटन है जिस पे आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने ऐसा अप्लाई का फॉर्म आ जाएगा। अप्लाई का फॉर्म कैसे आपको भर के कैसे सबमिट करना है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। प्रोफेशनल डिटेल में आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, जीमेल आईडी, फोन नंबर, पिन कोड देना है, और यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। बाकी यहाँ पे आ जाता है आपका प्रोफेशनल डिटेल, तो यहाँ पे आप अपना रिज्यूम अपलोड कर लीजिएगा, और यहाँ पे प्रोफेशनल में आप अपना डिटेल दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये सब डिटेल आपको यहाँ पे ऐड कर देना, जो आपसे जानकारी मांगा जाता है, जो डिटेल आपसे लिया जाता है, सब कुछ यहाँ पे फिलअप करना है, सेलेक्ट करना है, और लास्ट में सबमिट के बटन पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे एक्सिस बैंक में जॉब के लिए, नौकरी के लिए बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल इजी तरीके से अप्लाई कर सकते हो, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। सो यहाँ पे मैंने सब कुछ बता दिया है। बाकी कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट करके अधिक जानकारी ले सकते हो। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे दोस्तों हम लोग किसी नए जॉब अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।